आज मैं लेकर आया हूँ सेट की पेस्टिंग डिजाइन वाले किस तरह से करते हैं, आज हम आपको बताएंगे। ये हमारी सेट है, ये हमारी डिजाइन वाली सेट, इसको इस तरह से रखेंगे, इस पर फैशन चिपकाएंगे, फैशन चिपकाने के बाद इस पर प्रेस मारेंगे। पहले नीचे देख लेना है ये गर्म तो नहीं है, फिर इसको आराम आराम इसको चिपकाएंगे अच्छे से। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे, ये हमारी फैशन चिपक चुकी है। अब इसमें इस तरह से मोड़ेंगे, इसको अच्छे से मिला लेना है एक सा करके, इस पे प्रेस मार देना है। ये हमारी फैशन चिपक चुकी है। इसको साइड में रखेंगे। अब इस पे ये हमारी बाजू हो चुकी है, अब इसमें चिपकाएंगे कॉलर, इस तरह से कॉलर चिपकाएंगे। पहले इस पे अच्छे से प्रेस मार लेना है एक सा करके, इस पे कॉलर चिपकाएंगे। ये हमारी कॉलर नीचे वाली है, इसको अलग अलग हिस्सों में चिपकाएंगे क्योंकि ये डिजाइन वाली सेट है। इस तरह से अच्छे से बिठा देना है। ये हमारी चिपक चुकी है, अब इसको इस तरह से जितना हमारा मार्जिन है जो हमारी दूसरी कॉलर में अटैच होगा जो, अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे बिल्कुल आराम से। इसी तरह अच्छे से ये हमारी चिपक चुकी है। अब इसमें कॉलर हम इसमें चिपकाएंगे जिसमें डिजाइन नहीं है। ये हमारी ऊपर की कॉलर है, इसको अच्छे से चिपकाना है। अच्छे से ये चिपक चुकी है। अब इस पे इसके जो हमारी कॉलर के नोक एक से आए इसलिए हम ये इसको चिपकाते हैं, इससे हमारी नोक अच्छी निकलती है। ये हमारी चिपक चुकी है, कॉलर हमारी दोनों चिपक चुकी हैं। अब इसको इस तरह से प्रेस मारेंगे, प्रेस हम दोनों तरफ से लगाएंगे, उस तरफ से भी इस तरफ से भी। ये हमारी कॉलर हो चुकी है, अब बताएंगे इसमें कब किस तरह से लगाते हैं, पेस्टिंग करते हैं।
इसको पहले प्रेस से अच्छे से एक सा कर लेना है। और इस पर हमारी कप लगेंगे, कप इस तरह से रखेंगे और कप को अच्छी तरह से चिपकाएंगे, जो कि हमारा सिलाई करें तो फूले ना। इसी तरह आप भी चिपकाएं। इसको इतना इतना काट लेना है, आधा इंच, और इस पे पहले ही मैं डिजाइन वाली सेट की कटिंग डाल चुका हूँ और बाजू वाली भी बताया था कि किस तरह से काटते हैं। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके बता रहा हूँ किस तरह से करते हैं डिजाइन वाली सेट की। इसी तरह आप भी कप में लगाएं, टेस्टिंग करें अच्छे से। इसमें भी दोनों तरफ से प्रेस मार लेना है। ये हमने प्रेस अच्छे से लगा लिया है, इसको इस तरह से दबाएंगे तो हमारा एक सा लिख ले। अब इसको बताएंगे कि जेब किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि जेब में भी डिजाइन आएगी। ये हमारी जेब वाला हिस्सा है, इसको ऊपर से अच्छे से प्रेस मार लेना। मारने के बाद इसको देखेंगे कि हमारा जेब कहाँ पे होगा, ऊपर के साइड होगा या नीचे के साइड। ये हम समझ में आ रहा है कि नीचे के साइड होगा, तो इसको इस तरह से निकाल देंगे। अब इस पर 4.5 इंच की पॉकेट बनाएंगे। ये हमने पॉकेट अपनी काट ली है। अब इसको इस तरह से मिलाकर इसमें पॉकेट चिपकाएंगे। ये हमने चिपका दिया है। इसको इधर से इतना निकाल दें। ये हमारी डिजाइन वाली जेब है, जिसे आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा जिस तरह से मैं बताता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इस पर इस तरह से इसको इस तरह से भी अच्छे से मिलाना है। इसको अच्छे से बिठा लेना है। बिठाने के बाद इससे ये हमारी पॉकेट बन चुकी है। अब इसको फ्लाई बताएंगे किस तरह से करते हैं, बनाते हैं इसकी फ्लाई। इसको इतना
जो हमारी बाजू में फ्लाई लगती है उसको इस तरह से एक डेढ़ मोड़ेंगे और फिर इसको भी एक इंच यानी एक इंच की पट्टी हम लगाएंगे अपनी फ्लाई में। इसको मोड़ दिया, अब इसको भी इसी तरह मोड़ेंगे। ये हमने हमारी फ्लाई बन चुकी है, अब इसको बताएंगे कि तीरा हमारा पहले से ही कट चुका है। ये हमारी पेस्टिंग हो चुकी है। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं और भी वीडियो डालूंगा डिजाइन की सेट वाली।